गरियाबंद में भी महिला रेसलर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रेसलर के समर्थन में महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। महिला खिलाड़ियों के अस्मत से खिलवाड़ करने वाले आरोपी ब्रिजभूषण के खिलाफ उसका पुतला फूंका गया। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं की बड़ी संख्या केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सत्ताधारी गुनाहगार को सजा देने के लिए पीछे हट रही है। आज देश की बेटियां जो है विगत 2 महीने से अधिक हो गया है बैठे हुए धरने पे, इस विषय को लेकर कि उनके साथ में जिस प्रकार से कृत्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली, आज ये भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों के साथ में न्याय नहीं कर पा रही है। आज देश की बेटियां सड़क पे हैं, देश की बेटियां न्याय मांगने के लिए बैठी हैं, लेकिन उनको न्याय देने के बजाय बल्कि धुतकार रहे हैं, उनके खिलाफ में एफआईआर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा था जब यही देश की बेटियां मेडल लेकर आई थी तो मेडल लेकर के बोलती थी मेरी घर की बेटियां हैं, घर की बहनें हैं। आज वो कहां है नरेंद्र मोदी जी, वो दिखाई नहीं देते, देश की बेटियों के लिए एक चू तक आवाज नहीं निकलती है। देश के बड़े बड़े बात करने वाले स्मृति ईरानी जी, आज महिलाओं से जो घटना घट रही है आज, लेकिन बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि न्याय मांगने के लिए जाओ तो एफआईआर होती है। ये देश में ऐसा तानाशाह चल रहा है, इसको लेकर के आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ में उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनकी सांसद पद को संस्था को रद्द करने के लिए यहाँ पे महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे रैली निकाली गई। उनका पुतला मैनपुर ब्लॉक में रैली निकालकर ब्रिजभूषण का पुतला दहन किया गया और जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। गरियाबंद जय विलास शर्मा की रिपोर्ट, प्रस्तुत करेंगे सी डिवीजन टीवी।